hello dear students i welcome you all on my youtube channel so today we will discuss the guest paper of zoology for class bsc third semester the paper is physiology or physiology and biochemistry this paper is framed by one of the renowned experts in this very subject so before discussing the guest paper once again i request to all of you kindly share subscribe as well as like this channel so we will see the paper title that is physiology and biochemistry and biochemistry for third sem there are four units we have chosen important question from each unit so if we see the important questions in unit 1 they include direct question of aayega o2 डिसोशिएशन कर्व्स ओ टू डिसोशियेशन कर्वस क्या होते हैं ओ टू डिसोशन कर्व आपको फॉर्मेशन एंड एक्सक्रेशन ऑफ नेट्रोजनस वेस्ट नेट्रोजनस वेस्ट कैसे बनते हैं कैसे एक्सक्रेट होते हैं ठीक है वेस्ट फॉर्मेशन एंड एक्सक्रेशन एंड एक्सक्रेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ ओ टू एंड सीओ टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ओ टू एंड सी ओ टू पलमोनरी रेस्परेशन शॉर्ट में आ जाएगा आपका पलमोनरी रेस्परेशन क्या होता है शॉर्ट में आपका बन जाएगा ये क्वेश्चन ठीक है इसके अलावा इस यूनिट में आपको और एक चीज है दैट इज डाइजेशन जनरल डाइजेशन स्पेशली प्रोटीन पे फोकस करेंगे यहाँ आपका आ जाएगा फिजोलॉजी ऑफ डाइजेशन डाइजेशन स्पेशली प्रोटीन पे आपको फोकस करना है ठीक है प्रोटीन यहाँ लिपिड पर भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना है प्रोटीन इसके बाद जो आपका कार्डिक एक्शन है कंडक्शन कैसे होती है उसकी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंडक्शन ऑफ कार्डिक इंप्लेक्स Impulse. देखो यार इसमें थोड़ा लंबा आ गया ज्यादा क्वेश्चन बन गए लेकिन ज्यादा फोकस इस पे करना है आपको ऑटो डिसोसिएशन नाइट्रोजन बेस्ट पे फोकस करना है पल्मोनरी रिएक्शन शॉर्ट में आ जाएगा ऑटो एंड सीओटो ट्रांसपोर्ट पे भी आपको ख्याल रखना है ठीक है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रोटीन पे थोड़ा बहुत डाइजेशन पे फोकस करना है कमिंग टू सेकंड यूनिट वी हैव इसमें से डायरेक्ट आपका आ जाएगा एक्शन पोटेंशियल एंड प्रोपेगेशन यूनिट सेकंड एक्शन पोटेंशियल एंड प्रपोगेशन एक्शन पोटेंशियल एंड प्रपोगेशन प्रपोगेशन देखो विजन पे टू क्वेश्चन आपका आ जाएगा विजन इलाबरेट करना है आपको इसको ठीक है इलाबरेशन इलाब्रेशन खत्म सो हमारा सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो गया कमिंग टू थर्ड यूनिट रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मैमल यूनिट थर्ड यूनिट थर्ड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है यूनिट थर्ड रिप्रोडक्टिव साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मैमल्स साइकिल इन मैमल्स मैमल्स भी आपको ख्याल रखना है एस्पेशली हार्मोनल एक्शन आपको दिखाना है हार्मोनल एक्शन एक्शन ठीक है फिर हार्मोनस कुछ है हार्मोनस लाइक लाइक थायराइड थायराइड, पिचटरी एड्रिनल एंड थाइमस इनपे फोकस करना है आपको ठीक है कौन कौन सा थारॉयड पिचटेरी एड्रिनल एंड थाइमस सो थर्ड यूनिट भी हमारा खत्म हो गया कमिंग टू लास्ट यूनिट लास्ट यूनिट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है लास्ट यूनिट में यूनिट फोर में आपका क्वेश्चन बन जाएगा यूनिट फोर गलाइकोलिस ग्लाइकोनियोजेनेसिस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोनियोजेनेसिस देन वी हैव क्रेब साइकल देन वी हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक है ख्याल रखना है इस पे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामेटिक एसिड जो फिफ्टीन वाला कार्बन Carbon, 15 कार्बन पॉमेटिक एसिड में होते हैं कैसे उसमें होती है बीटा ऑक्सीडेशन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लंबा क्वेश्चन यही है इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन एंजाइमेटिक इनहिबिशन एंड रेगुलेशन लास्ट क्वेश्चन तो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन और मैकेनिज्म इनहिबिशन एंड रेगुलेशन सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैस पेपर ऑफ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री होपफुली यू विल गेट एनफ मार्क्स फ्रॉम दिस वेरी गैस थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन